दूसरे चरण के 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। इस 70 सीटों में जांजगीर जिले की पामगढ़ विधानसभा ही एक ऐसी सीट है जहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ही चुनकर आते हैं। इस बार कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के बागी प्रत्याशी गौरेलाल बर्मन जनता कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले की पामगढ़ विधानसभा सीट को बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी से इंदु बंजारे ने चुनाव जीता था। इस बार फिर बसपा ने इंदु बंजारे पर भरोसा जताया है। पिछले 7 चुनाव में 5 बार इस पामगढ़ विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई। अपनी सीट बरकरार रखने वाली बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा अब तक एक एक बार जीत हासिल कर चुकी हैं। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। वहीं भाजपा ने संतोष लहरे को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने शेषराज हरबंस को टिकट दिया है। साथ ही कांग्रेस ने बागी होकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में शामिल होने वाले गोरेलाल बर्मन को भी प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा प्रत्याशी इंदु बंजारे इस बार फिर अपने जीत का दावा कर रही हैं। निश्चित रूप से 5 साल से मैं यहाँ पे अपनी सेवा दे रही हूँ और हर स्तर पे मैंने प्रयास किया है अपने पामगढ़ क्षेत्र को विकास की ओर आगे जाने के लिए और सभी किस्सों को तो मैं प्रॉपर मैं जब भी किसी भी गांव में मुझे आमंत्रित किया गया तब मैं हमेशा हर के सुख दुख में पहुँचने का भी काम की हूँ। तो लगातार 5 सालों से मैं जो फील्ड में काम की हूँ उसको सभी लोग जनता जानते हैं देखते हैं। तो जब मैं अभी चुनावी जनसंपर्क के दौरान जब गाँव जा रही हूँ सबको आशीर्वाद लेने के लिए तो निश्चित रूप से सबका बहुत अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस ने बसपा के गढ़ से शेषराज हरबंस को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे नाराज होकर गोरेलाल बर्मन ने अपनी पार्टी से बगावत करते हुए जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के साथ ही पार्टी ने पामगढ़ सीट से उन्हें प्रत्याशी भी बना दिया। गोरेलाल बर्मन अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं कर रहे, लगातार जनसंपर्क करते हुए अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पहले बार अपने दम में मैदान में चुनाव लड़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आम जनता के नब्ज को हमने पकड़ा है। हमारे मन में ये संकल्पनाएं हैं कि हम कैसा छत्तीसगढ़ चाहते हैं। मेरे पामगढ़ विधानसभा में मैंने एक टैगलाइन छपवाया है, वाल राइटिंग भी कराया है, गोरेलाल बर्मन के प्रण गढ़ नवा पामगढ़। तो ये कहीं न कहीं हम सबल छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं। पामगढ़ सीट से अभी तक कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी अपनी जीत के लिए संघर्ष करते नजर आए हैं। अनुसूचित जाति आरक्षित सीट पामगढ़ से इस बार दोनों पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जहां अपनी सरकार के 5 साल के कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं भाजपा मोदी की गारंटी के आधार पर चुनाव प्रचार कर रही है। अगर हमारे घोषणा पत्र में देखेंगे मोदी जी ने जो गारंटी दी है, और ऐसे आप जानते हैं मोदी जी की गारंटी यानी ब्रह्मा की लकीर, मोदी जी ने गारंटी दी है यानी होगा ही होगा 100%। और उसमें हमारे में स्थायित्व है, जैसे कि महतारी बंधन योजना, आज अगर कोई योजना प्रारंभ हो जाती है और वो फिर भविष्य में बंद होने वाला नहीं है। आज प्रारंभ में किसी भी महतारी को, विवाहित महिला को 1,000 रुपये मिल जाता है, तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसके लिए वो महत्व का है। और निश्चित रूप से आज 1,000 रुपये मिल रहा है तो 1,000 नहीं रहेगा, आगे चल के उसमें वृद्धि भी होगी। आ रहा है जन समर्थन, क्योंकि कर्ज माफ़ी और जो महिला समूहों का जो भी कर्ज माफ़ी किया है की घोषणा हुई है, और आज एक और नई घोषणा आई है हमारी बहनों के पक्ष में कि 1,500 रुपये कांग्रेस महिलाओं को देगी, तो ये तो बहुत ही उनके लिए अच्छी बात है। और जनता में उत्साह तो है कि 5 साल जो सरकार ने कार्य किया है कांग्रेस की सरकार ने, तो भरोसा तो जीता है, भरोसे की सरकार। जनता खुद कह रही है कि भरोसे की सरकार की टीम आई है, तो भरोसे की सरकार के साथ हम जाएंगे। दूसरे चरण के 70 सीटों पर होने वाले चुनाव में पामगढ़ विधानसभा सीट ही एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ सभी प्रत्याशियों के बीच टक्कर है और लगातार जनसंपर्क से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2,19,873 मतदाता हैं, वहीं 214 मतदान केंद्र हैं। डीडी न्यूज़ के लिए राजकुमार साहू की रिपोर्ट।